हेलो एवरीवन, आज तिलकुटा चौथ का व्रत है और हम कहानी सुनने के लिए अब बैठे हैं यहाँ पे। एंड ये मेरी मम्मी अभी तो है, इतना रखा, शाम को रखेंगे फिर और। ये है हमारी दीदी। ओ अच्छी वाली है ना परो, किसने बनाई दीदी? दीदी? ये सफेद आंकड़े के पौधे में दिया हमने पानी आज सूर्य भगवान के साथ साथ। हमारी दीदी का आज का लुक दम मीना। ऐसी ड्रेस ना पहना तो फिर व्रत करने का मजा ही नहीं आता। हाँ मैं चाय नहीं पीती, पर आज इन्होंने ना जबरदस्ती जबरदस्ती पिला रही है। ये जबरदस्ती से ऐसे बोलते हैं कि फास्ट के दिन तो पीना ही चाहिए, तो फिर थोड़ा मान भी रख लिया चाहिए ना किसी का, इसीलिए मैंने आज चाय पी ली है। कितने टाइम बाद में पी होगी गुड्डी? पिछले फास्ट पे पिलाई पिछले होगी ना फास्ट क्यों मेरे? वो भी जबरदस्ती है, मेरे से लड़ते हैं बहुत कि एक दिन पी लेगी चाय तो कोई मर नहीं जाएगी। तो मैंने कहा भाई मरना तो खैर नहीं है, पर एक दिन में भी थोड़ा परेशानी होती है मुझे चाय में। आज मैं बनाने वाली हूँ तिल कुट्टा, तिल की चोट है ना आज, इसीलिए ये रहा गुड़ और ये हरिये परू, इसमें कूटेंगे इसको। ये कूट गए हैं थोड़े बारीक, अब इनमें मैं मिलाऊंगी गुड़। ये बन चुके हैं मेरे तिल गुड़ के लड्डू, बहुत अच्छे वाले। चक्के तो नहीं देखे गए, मेरा फास्ट है इसीलिए। आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, इनको अच्छे से मैंने साफ कर लिया, अब इनको मैं कद्दूकस करूँगी इसमें। यहाँ पे मैं मिलाती हूँ गोभी छिली हुई में, अब ये तो अदरक है, ये लहसुन थोड़ा सा, इसमें डाल दो मिर्ची, ये धनिया, जो मैंने ये डाल दी हींग, ये अब इसमें मैंने नमक नहीं मिलाया, नमक बाद में मिलाऊंगी जब बनाऊंगी, जब आटा लगाना बाकी है मुझे। ऐसे मैंने रोटी बेल ली है बेलन से, और ऐसे मैं मसाला डालती हूँ। मसाला आपके हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो आप, जितना आपको पसंद है। ये मसाला अच्छे से डालने के बाद में इसको मैं जॉइंट कर रही हूँ, मिला रही हूँ इसमें से, जिससे मसाला बाहर ना निकले धीरे धीरे। हाथों के थोड़ा सा मैं तेल लगा लेती हूँ, बेलने में आसानी आती है फिर से। आटा नहीं लगाती, कई लोग सूखा आटा भी तो लगाते हैं ना, मैं नहीं लगाती ऐसे। आप चाहो तो बेलन से भी पूरा बना सकते हैं इसको, पर फिर मैं हाथों से बनाती हूँ। बेलन से क्या निकलने का डर रहता है इसमें, बाहर नहीं निकल जाए। हाथों से जब मैं इसको बेलती हूँ ना तो निकल नहीं था, बिल्कुल नहीं निकलता। देखो कहीं से भी नहीं निकला है, और आसानी से पूरा एकदम से परफेक्ट गोल गोल बन भी गया है, आराम से कहीं से भी बाहर नहीं निकला। बेलन से तो थोड़ा बाहर निकल जाता है,
दोनों तरफ से देख लो, ये थोड़ा थोड़ा सा हुआ है तो ये तो अच्छा लगता है ना दिखने में मुझे। इसके ऊपर की परत बनेगी बहुत अच्छी वाली। तवे के ऊपर आप तेल या घी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं डाल रही हूँ इस वाला साइड है ना, उसको मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ, ये सिकेगा ना जब बहुत अच्छा दिखेगा, देख लो। गोभी के पराठे थोड़े हल्के मोटे होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में, खाने में भी स्वाद है, और पतले पतले उसमें मसाला भी नहीं आता तो वो ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते इतने। अब देखो इधर से कितनी अच्छी सी शिकाई हुई है, एकदम गोल्डन गोल्डन। आज की शिकाय होने दो, मैं थोड़ा सा इसमें घी और डाल देती हूँ, तेल कुछ भी। लो फ्लेम पे शिकाय हो रही है इसकी। ये दूसरी तरफ से इसकी सिकाई देखो, दूसरी तरफ से खूब अच्छे से हो गई है इसकी एकदम। इधर से भी एकदम, ये पराठा सिक्के एकदम तैयार हो गया। ये मेरे गोभी के पराठे कंप्लीट बनकर तैयार हो गए, देखो कितने अच्छे से सिकाई भी है इनकी, देख लो सारे बहुत अच्छे से सिके, देखो एकदम क्रंची क्रंची पूरे में फैला हुआ है। इनका मतलब ये है ना, जो पूरे में फैला मसाला, ऐसे नहीं कि कहीं से रह गया कहीं से नहीं रह गया। अच्छे से बहुत मेहनत लगी है इसमें, टाइम भी बहुत लगा, ऊपर से भूख लग रही थी पर मुझे पूरे दिन भर से एहसास नहीं हुआ भूख का बिल्कुल भी। अब शाम को थोड़ा थोड़ा फील होने लगा है कि हाँ कुछ खाना है। तो आप भी अपने घर वालों के साथ में गोभी के पराठे बनाकर एंजॉय कीजिए, अच्छे से खाइए। और आप है ना यार वीडियो देखते हो फिर उसको लाइक भी नहीं करते और ना सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आप नए हो जरूर से जरूर। ये आ गई हमारी चौथ माता, बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो भवानी माता की जय। सही जा ते बताओ खार। काफी दिनों बाद मैं गोभी का पराठा खा रही हूँ, सही है, देखा भी नहीं ज्यादा ना, शिकायत का सब सही है। गोभी का पराठा मैंने तो लगी बहुत मेहनत लगी भाई, पैर दुख गए मेरे खड़े खड़े सच में। दही दे दे तू कभी भी साथ दे।